आज सर्वदलीय बैठक में जो कल के संसद सत्र से पहले बुलाई गई है उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने उठाए और सबसे बड़ा मुद्दा संघीय ढांचे का है। एक राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको सिंगापुर में सरकार के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये एक मुख्यमंत्री के अधिकारों का भी हनन है और संघीय ढांचे पर भी प्रहार है कि एक मुख्यमंत्री को आप सिंगापुर के अंदर हो रही वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी का फर्जी मॉडल है, केजरीवाल का असली मॉडल है, इसलिए आप उस मॉडल से डरते हैं, केजरीवाल से डर रहे हैं कि उसकी चर्चा दुनिया के फोरम पे ना होने पाए। तो ये मुद्दा मैंने उठाया। दूसरा, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा मैंने यहां पर उठाया कि किस तरीके से ईडी ने विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया, जैसे हमारे सत्येन जैन का मामला है, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा हुआ है। मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है, उसका उपयोग सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विपक्षियों को पकड़ने और जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। और तीसरा विषय, इंडिया का कोयला 3000, अडानी का कोयला 30000, ये नहीं चलेगा। पंजाब की सरकार महंगा कोयला नहीं खरीदेगी और जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि अगर आप महंगा कोयला नहीं खरीदेंगे, अडानी का कोयला नहीं खरीदेंगे, तो हम आपको बिजली कंपनियों को, हम थर्मल पावर प्लांट को कोयला नहीं देंगे, इसका हम विरोध करते हैं। इन तीन विषयों पर हमने अपनी बात